हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हम रीजनिंग और क्वांट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों को आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो तो, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलना, उससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक नए सफ़र में, एक नए दिन से, एक नए टारगेट के साथ में हम आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं SBI PO और SBI क्लर्क 2019 की। तो SBI PO का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है और SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन अब आ गया है। तो आपके पास इस ईयर की दो सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं, तो बस लग जाइए इस बार SBI PO SBI क्लर्क आपको पार करना ही है, ठीक है। तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न में जो कुछ भी चेंजेस होंगी या जो भी रियल एग्ज़ाम लेवल होगा वो देखने को मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलेगी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग की डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेंगी, ठीक है। जैसा कि आपने अभी अनुपमा मैम की क्वांट की वीडियो देखी ली होगी, तो उन्होंने Day-1 पर आपको क्वांट की वीडियो दे दी। अब मेरी तरफ से आपको मिलेगी रीजनिंग की वीडियो, ठीक है। तो आप दोनों को Day-by-Day कंप्लीट करते जाइए, कल Day-2 पर आपको दोनों फिर वीडियो मिलेंगी। इस तरीके से SBI PO क्लर्क तक हम आपके सपोर्ट में डेफिनेटली रहेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, आज है Day-1, तो Day-1 से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको डेली बेसिस पर एक पज़ल दूंगी और एक मिसलिनियस टॉपिक दूंगी, ठीक है। और सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन कवर करवाऊंगी जो लास्ट ईयर 2017-18 के SBI PO क्लर्क प्रीलिम्स में आए हुए होंगे, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए लिया है एक मंथ डेट बेस्ड पज़ल, और दूसरा लिया है इनपुट आउटपुट का सेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पर आप मुझे यानी दिव्या गुप्ता एंड अनुपमा रानी मैम को फॉलो कर सकते हो फॉर रीजनिंग एंड क्वांट प्रिपरेशन, ठीक है। आप हमारी प्रोफाइल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसी तरीके से आपको अपने लर्निंग ऐप पर दिखाई दे जाएगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पज़ल मैंने आप लोगों के लिए ली है वो है यहाँ पर कंप्लीट प्रीलिम्स में आई हुई SBI PO प्रीलिम्स 2018 में आई हुई एक पज़ल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट करें फिर। 8 फ्रेंड्स MNOPQRS टी हैव देयर बर्थडे इन वन ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मार्च, जून, नवंबर, दिसंबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि 8 दोस्त हैं, उनका बर्थडे इन 4 अलग अलग मंथ में है, मार्च में, जून में, नवंबर में और दिसंबर में। इन ईच मंथ देयर आर 2 बर्थडे, हर मंथ में 2 बर्थडे हैं, मतलब कि 4 मंथ में 8 बर्थडे हो गए, ठीक है। इन ईच मंथ देयर आर 2 बर्थडे, द बर्थडे आर आइदर ऑन 16 और 25, या तो 16 को होगा या फिर 25 को होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई, तो इस चीज़ को हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम ध्यान देंगे अपने ये पूरी की पूरी जो हमारी डायरेक्शन स्टेटमेंट्स हैं उन पर, ठीक है। चलिए तो उसको मैंने बिल्कुल हटा ही दिया है और केवल ये मैंने ले लिया है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलिए तो ध्यान देते हैं अब हम, क्या बोला जा रहा है फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में आप लोगों से बोला गया है O and Q have birthday in month having 31 days. O और Q का जो birthday है वो 31 days में है। अब देखो, इसीलिए आपने यहाँ 16 लिखा, 25 लिखा, और यहाँ पर मैंने days लिख लिए मार्च, जून, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ आप लिख लो कि मार्च कितने दिन का है, जून कितने डेज का है, नवंबर कितने डेज का है और दिसंबर कितने डेज का है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया 31 30 30 31, ठीक है। फर्स्ट बोला जा रहा है ओ और क्यू का बर्थडे जो है वो 31 डेज में है, मतलब या तो ओ और क्यू का बर्थडे मार्च में होगा या फिर ओ और क्यू का बर्थडे दिसंबर में होगा। आगे आओ, देयर आर एटलीस्ट 2 बर्थडे बिटवीन M और T,
मतलब कि एम और टी के बीच में कम से कम दो बर्थडे हैं, कम से कम है, ठीक है, मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लिख लिया मैंने कि एम और टी के बीच में कम से कम दो तो होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। एम डज नॉट हैव बर्थडे इन मार्च, एम का बर्थडे मार्च में नहीं है। एन हैज बर्थडे इन नवंबर, एन का बर्थडे नवंबर में है। टी बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर एन, एन के जस्ट बाद में टी का बर्थडे है। क्यू बर्थडे इज नॉट ऑन 16 ऑफ एनी मंथ, क्यू का बर्थडे किसी भी मंथ की 16 डेट को नहीं है, दो ही डेट है हमारे पास, 16 और 25। इसका मतलब डेफिनेटली कब बर्थडे होगा क्यू का? 25 को होगा। तो मैंने लिख लिया क्यू का बर्थडे 25। एन बर्थडे इज समवेयर आफ्टर ओ, ओ के बाद में कहीं पर एन का बर्थडे है। देर आर टू बर्थडे बिटवीन ओ और पी के बीच में दो बर्थडे हैं। एन एंड क्यू हैव बर्थडे ऑन सेम डेट, सिमिलरली एम एंड एस हैव बर्थडे ऑन सेम डेट, मतलब कि एन और क्यू का बर्थडे सेम डेट को है। अब आपको पहले से पता है कि क्यू का बर्थडे 25 को है, तो डेफिनेटली एन का बर्थडे भी 25 को होगा, क्लियर। ऐसे ही एम और एस का बर्थडे सेम डेट पर है, ठीक है, और एन और क्यू का बर्थडे सेम डेट पर है, तो वो हमने यहीं पर कर लिया। आगे आते हैं, पी एंड टी डोंट हैव बर्थडे ऑन सेम डेट। देखो अब जब सेम डेट पे था तो हमने ऐसे इक्वल का साइन यूज़ किया, अब जब नहीं है सेम डेट पे तो नॉट इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। आर डज नॉट हैव बर्थडे इन दिसंबर, आर का बर्थडे दिसंबर में नहीं है, क्लियर है सब लोगों को। तो यहाँ तक हमारे स्टेटमेंट्स हो गए, अब हम अपने क्वेश्चन को इसको भी भूल जाएंगे और ध्यान देंगे अपनी कंडीशंस पर, ठीक है। चलिए तो मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल हटा दिया। फर्स्ट लाइन जो सबसे बढ़िया लाइन दे रखी है वो ये है कि एन नवंबर में है और हमें ये भी पता है कि एन 25 पे है, तो जल्दी से हमने लिख लिया कि एन जो है वो 25 नवंबर को होगा। एन के जस्ट बाद में टी है, तो एन के जस्ट बाद में टी हो जाएगा यहाँ, तो जल्दी से हमने टी लिख लिया एन के जस्ट बाद में। अब हमें पता है, और देखो जो चीज़ होती जाए उसे कट कट करते जाओ, एन के पहले ओ है तो ओ इन जगह कहीं हो सकता है, बट हमें पता है कि ओ केवल और केवल दिसंबर और मार्च में है। अब दिसंबर में तो नहीं हो सकता क्योंकि वो एन के बाद हो जाएगा, तो अब या तो ओ 16 मार्च को होगा या फिर 25 मार्च को होगा, बट हमें नहीं पता कहाँ होगा, तो मैंने जल्दी से एक और पॉसिबिलिटी ले ली और उसके बाद में एक बार ओ को 16 मार्च पर रख लिया, एक बार 25 मार्च पर रख लिया। आगे हमें बोला जा रहा है कि ओ और पी के बीच में दो का बर्थडे है, तो एक दो पी आ जाएगा यहाँ पर और एक दो पी आ जाएगा यहाँ पर, तो जल्दी से हमने नेक्स्ट पर पी को लिख लिया। आगे हमें पता है कि ये भी हो गया हमारा, एम और टी के बीच में दो या दो से ज़्यादा हैं, मतलब अब दो छोड़ के या तो एम इधर आएगा या फिर इधर। बट देखो उससे पहले हमें एक चीज़ और क्लियर हो गई कि पी और टी सेम डेट पे नहीं है और यहाँ पी और टी सेम डेट पर है, मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई और ये वाली कंडीशन हमारी सही हो गई। तो जल्दी से इस पॉसिबिलिटी को कट कर दो और इस पर हम काम करेंगे। अब हमें पता है कि M जो है वो दो छोड़ के है या दो से ज़्यादा, तो या तो M इधर होगा या फिर इधर, बट वी नो कि M मार्च में नहीं हो सकता, तो M डेफिनेटली हो जाएगा जून में, क्लियर है। अब M के साथ में ही S है सेम डेट पे, एक ही जगह खाली है 16 नवंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा S, ठीक है, क्लियर है। आगे बचा R और Q, अब R या तो 25 मार्च को होगा या फिर 25 दिसंबर को होगा, बट हमें पता है कि दिसंबर में R नहीं आएगा, तो R हो जाएगा 25 मार्च को, बचेगा केवल हमारे पास में Q, तो Q आ जाएगा 25 दिसंबर को, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट डन हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सेट पसंद आया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम दूसरी चीज़ करेंगे, वो होगा हमारा इनपुट आउटपुट का सेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। आई होप आप लोगों को पजल समझ में आ गई। अब आज का मिसलिनियस टॉपिक करेंगे, नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ नंबर्स अरेंजेस देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप। सिंपली यहाँ पर क्या होता है, एक इनपुट दिया होता है, कुछ स्टेप्स दिए होते हैं और बोला जाता है ये लास्ट स्टेप है। अब आपको पहचानना होता है कि ये लास्ट स्टेप कैसे बना,
और उसके बाद में एक इनपुट दिया होता है, तो जो लॉजिक लग के ये लास्ट स्टेप बना होता है उसी लॉजिक से आपको इनपुट को सॉल्व करना होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमें इनपुट कुछ ये दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन में पहला नंबर ले लिया है 15, बट यार इनपुट में कहीं पर भी 15 नहीं है। अब थोड़ा सा डाउट है हमें कि ये 15 आया तो आया कहाँ से। तो देखो 91 एज इट इज़ है, 53 एज इट इज़ है, 72 एज इट इज़ है, 14 गायब है, मतलब कि 14 को ही बनाया गया है 15। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 14 में 1 प्लस करके 15 आया हो सकता है। 39 सेम है, उसके बाद में 24 भी गायब है, 85 है, तो हो सकता है ये 24 को बनाया गया है 25। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा नंबर लिया गया है लेफ्ट साइड में, उससे बड़ा है 24, उसको लिया गया है राइट साइड में, और एक एक इसमें नंबर बढ़ा दिया है। क्या आगे भी ऐसा ही है? चलो चेक कर लेते हैं। 14 का 15 हो रहा है, 24 का 25 हो रहा है, 24 के बाद में क्या बढ़ा है? 39। तो देखो 39 का 40 हो रहा है, उसके बाद में क्या बढ़ा है? 53। तो 53 का 54 हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर हम इधर आए तो हमें समझ में आ रहा है 15, 40, 62, 73, 86, मतलब 15, 25, 40, 54, 62, 68, 73, 77, 86, 92, मतलब हमें बहुत आसानी से इसका लॉजिक फाइंड आउट हो गया। चलो जब फाइंड आउट हो गया, इनपुट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इनपुट हमारा क्या दे रखा है? 58, 40, 99, 28, 63, 84, 16, 34, 71, 87। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा नज़र आ रहा है 16। ठीक है, उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा नज़र आ रहा है 28। तो 16 का एक भड़ के यहाँ आ जाएगा 17, और 28 का यहाँ भड़ के एक आ जाएगा 29। तो देखो एग्जैक्टली वही हुआ, 17, 29। 58 एज इट इज़ है, 87 एज इट इज़ है, बीच का लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या बोला जा रहा है? इसके बाद में कौन सा है? अगर देखा जाए तो 34 है और उसके बाद में 40 है, तो 34 का हो जाएगा यहाँ पर 35 और यहाँ पर 40 का हो जाएगा 41। आगे देखें तो यहाँ 58 है और यहाँ 63 है, तो 58 का हो जाएगा 59। ठीक है, और उसके बाद में 59, तो देखो यहाँ से 58 हट जाएगा, आ जाएगा 99, और यहाँ हो जाएगा 41 के बाद में 63 का 64। आ गया सबको समझ में? तो ये भी चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे क्या रह गया है? अब हो सकता है कि 71 हो और 84 हो, तो बिल्कुल 71 का हो गया है 72 और 84 का हो गया है 85। अब क्या बचा? 87 और 99, तो 87 का हो गया है यहाँ पर 88 और 99 का हो गया है 100, और इस तरीके से सीरीज हो गई कंप्लीट। बस बहुत आसानी से कर लिया, हो गया ना। चलो तो अब देखते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज पोजीशन ऑफ 35 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन सेकंड लास्ट स्टेप, मतलब कि सेकंड लास्ट स्टेप में 35 लेफ्ट एंड से किस पोजीशन पर है। तो देखते हैं, चलो सेकंड लास्ट स्टेप हमारा ये रहा, मतलब फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट, 35 लेफ्ट से 1, 2, 3, मतलब कि कौन से प्लेस पर है? थर्ड प्लेस पर है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड, मतलब आ गया आंसर थर्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप फिफ्थ, मतलब कि स्टेप नंबर फाइव में राइट एंड से फिफ्थ नंबर पे बताना है कौन आएगा। चलो देखते हैं फिर, स्टेप नंबर फिफ्थ में आ जाओ, राइट एंड से फिफ्थ नंबर पर 1, 2, 3, 4, 5 कौन आ गया? 29, मतलब 29 हमारा बिल्कुल आंसर हो गया। दो क्वेश्चन डन हो गए, तो समझ में आ रहे हैं ना कैसे करने हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 59, मतलब यहाँ 59 है, ठीक है, बोला जा रहा है 59 एंड वन विच थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 85, और वो जो 85 के थर्ड लेफ्ट में है स्टेप नंबर 5 में, उनके बीच में कितने नंबर हैं।
चलो देखते हैं। सबसे पहले ढूंढ लो स्टेप नंबर 5, ये रहा, ढूंढो 59, तो ये गोला कर दो इस पर। अब आ जाओ 85 का थर्ड लेफ्ट, ये रहा 1, 2, 3, ये रहा 29, मतलब कि 59 और 29 के बीच में कितने नंबर हैं, 35 और 117, मतलब कि दो नंबर हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 99 इन स्टेप नंबर सेकेंड, मतलब कि जो स्टेप नंबर सेकेंड है उसमें 99 और जो सेकेंड लेफ्ट एंड में है उसके बीच में कितने नंबर हैं। तो देखो हम जल्दी से देख लेते हैं, स्टेप नंबर सेकंड में 99 ये रहा और सेकंड लेफ्ट से आ जाएगा 17, तो 17 और 39 के बीच में एक ही है 58, मतलब आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो यहाँ से मैंने आपको पजल भी कंप्लीट करवा दी और यहाँ आपका इनपुट आउटपुट भी कंप्लीट हो गया और आई होप आपको दोनों सेट पसंद आए होंगे और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक अगर डन हो गया तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यहाँ आपका Day-1 कंप्लीट हो चुका है, कल मिलते हैं अब Day-2 के साथ में। अगर आप लोगों को Day-2 चाहिए और जो भी अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चाहिए इंडिविजुअल तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैम प्लीज़ ये वाला टॉपिक करवा दीजिए। ठीक है, अच्छा एक काम और करिएगा आप, अगर हम थोड़े बहुत एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना है और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।